अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी ब्लॉच। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जरवार न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुसलसल शिकस्त से दो चार है और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ियों को तब्दील किया जा रहा है। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी होने जा रही है जिससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1992 की टीम का वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले वर्ल्ड कप में जीतने की ख्वाहिश रख सकता है। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से खिलाड़ी का नाम इमरान नजीर ने T20 वर्ल्ड कप में भी शामिल होने के इम्कान थे, लेकिन इमरान नजीर को कुछ सिफारशी प्लेयरों की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में शामिल न किया जा सका। लेकिन इस वक्त जो चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने टीम में बहुत बड़ी तब्दीली करने का फैसला किया है जिसके बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक मजबूत टीम बनने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप की शिकस्त से बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने PCB से रब्ता किया है जिसमें इमरान नजीर की T20 वर्ल्ड कप के बाद परफॉर्मेंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक बहुत बड़ी तब्दीली और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब चैंपियन ट्रॉफी के लिए एक नए और मजबूत ओपनर का इंतखाब करेगी जिसमें इमरान नजीर को जेरे गौर किया है और इमरान नजीर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ओपनिंग लाइन मजबूत हो जाएगी। वही पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने भी फैसला किया है कि हम इमरान नजीर को दोबारा एक दफा फिर टीम में शामिल करेंगे जिसके बाद इमरान नजीर अब भी फिटनेस में काफी हद तक जबरदस्त हैं और अब भी बैटिंग लाइन हमारी मजबूत हो सकती है, लेकिन बाबर आजम के साथ हम इमरान नजीर को ओपनिंग करवाएंगे। ये थी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की अच्छी खबर और जिससे चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने PCB से रब्ता किया और इमरान नजीर की वापसी की खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लाजमी से टाइप कर दें कि इमरान नजीर की टीम में वापसी होनी चाहिए या नहीं, या और कौन से प्लेयर की वापसी होनी चाहिए जिससे इमरान नजीर के अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप के बाद एक मजबूत टीम